जी हाय, वेलकम टू जितेश व्लॉग। सॉरी मेरा गला ख़राब है। आज आपको नज़ारा देख के समझ में आ रहा होगा, शायद कहीं साउथ इंडिया में हूँ। आप देख रहे हो नारियल के पेड़ खड़े हुए हैं। तो आज मैं हूँ दोस्तों गोवा में, और यहाँ के दो बीच बहुत फेमस हैं। राइट, यहाँ पे गोवा में क्या क्या फेमस है और क्या क्या चीज़ें आपको थार गाड़ी कैसे मिलेगी। जैसे हमने ये गाड़ी रेंट पे ली है, एकदम ब्रांड न्यू गाड़ी है, और मैं आपको एक स्कूटर दिखाता हूँ। राइट, गिव मी 2 मिनट्स। ये गेस्ट हाउस में रुके, देखिए आप, एकदम बहुत अच्छा गेस्ट हाउस है। और ये स्कूटर है, इसमें ये स्कूटर चला है सिर्फ 67 किलोमीटर। राइट, कल गणेश चतुर्थी थी और आज नेक्स्ट डे है गणेश चतुर्थी का, माला लगी हुई है। आप समझ सकते हो कि कितना यहाँ पे कैसे आपको स्कूटर हायर करना है, कैसे थार लेना है, कैसे वैगन आर लेना है, कौन सी गाड़ी लेनी, मर्सिडीज कैसे लेनी है। और ऐसी लोकेशन आपको प्यारी प्यारी लोकेशन दिखाएंगे गोवा में, जहाँ पे बिल्कुल आपको ना 800-1000 रुपये में रूम मिलेगा, एकदम घर जैसी फीलिंग आएगी, 5 स्टार जैसी 3 स्टार जैसी फीलिंग आएगी। ये देखिए मेरे सामने कुआ है, नेचुरल कुआ, और एक ये भाई खड़ा है, इसके पीछे भी एक कुआ है जो कि अभी ग्रीन कपड़े से ढका हुआ है। दो दो यहाँ पे वेल्व है, और गांव जैसा है एकदम लोकेशन, बिल्कुल बागा बीच के पास और कोंडलम बीच के बीच में ये जगह है। तो चलिए अभी हम चलते हैं, अभी हम कार से नहीं जा रहे क्योंकि बहुत ही नज़दीक है यहाँ से कोंडलम बीच और बागा बीच। तो अभी हम फिलहाल जा रहे हैं बागा बीच या कोंडलम बीच, हम रास्ते में डिसाइड करते बताते हैं आपको कि कौन से बीच पे जा रहे हैं। तो मैं आपको वेल्थ की बात कर रहा था। यहाँ पे आप देखो पानी का जो लेवल है ना, ये खाली कुआं जो है ना, हार्डली 4.5 फीट या 5 फीट पे यहाँ पे पानी है। आप देख रहे हो पानी का मटका, ये भाई अभी पानी निकाल के दिखा रहे हैं आपको। हाँ, तो ऐसी जगह पे आपको मैं स्टे कराऊंगा, ये पूरी वीडियो पे बने रहो आप। हाँ संदीप भाई, इसका पानी थोड़ा नीचे वापस डाल दीजिए, कुएं में डाल दीजिएगा। हाँ, ये हमने पानी उल्टा कर दिया है, और आगे बहुत ना इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखाऊंगा, तो वीडियो को ना पूरा एंजॉय करो। और बहुत मस्त जगह है, ये देखो गांव जैसी जगह है और एकदम बहुत नज़दीक में। तो चलो मिलते हैं आपको बागा बीच पे और या कोंडलम बीच पे। थार मिलेगा यहाँ पे बहुत सॉलिड, और अभी फाइनली हम बागा बीच जा रहे हैं। ये टी शर्ट मिलती है, सब 100-100 रुपये की टी शर्ट मिलती है यहाँ पे। ये जो आप निक्कर देख रहे हो, सब जो यहाँ पे है ना, 100-100 रुपीज़ का मिलता है। और मैं आपको चीपेस्ट शॉप भी बताऊँगा, चीपेस्ट एरिया भी बताऊँगा कि सबसे सस्ता आपको कहाँ मिलता है। राइट, ये यहाँ पे ना टेम्पल्स बहुत कम है, चर्च बहुत ज़्यादा है। आपको मालूम होगा कि जो गोवा की हिस्ट्री है, एक बार आप चेक करना। और गोवा को आज़ादी मिली है शायद 69 या 70 या 71 में। ये जो पूरा था ना गोवा, ये पुर्तगाल के कब्जे में था, तो ये पूरा सब यूरोपियन स्टाइल से बना हुआ है और बहुत ही अच्छा है। ये देखोगे बहुत चीप है यहाँ पे सब कुछ, बहुत सारी जितनी भी आप चीज़ें देख रहे हो, ऐसे आपको पेट्रोल मिल जाएगा। और देखो अभी बहुत तेज बारिश आ गई है। राइट, यहाँ पे ना 5-5 मिनट में बारिश आ जाती है। अभी आप देख रहे हो सड़क को देख के आपको थोड़ा आइडिया लगेगा, यहाँ पे बारिश आ चुकी है। राइट, टैटू वेटू बनाने का यहाँ पे बहुत क्रेज़ है। यहाँ पे 2 टाइप के टैटू बनते हैं, एक होता है यहाँ पे परमानेंट, एक यहाँ पे परमानेंट टैटू होता है, और एक यहाँ पे होता है नॉर्मल। अभी आप देख रहे हैं लोकेशन सामने, आप देखो बागा बीच। और तो ऐसे यहाँ पे बागा बीच है, ये अपना नॉर्थ गोवा में लगता है, और ये सबसे फेमस बीच है गोवा का। अब देख रहे हो नारियल के पेड़ ऊपर, नारियल के पेड़ है। मैं स्कूटर गाड़ी से उतर के आपको पूरा पैदल घुमा रहा हूँ ताकि आप देख सके। आपको एक फूल दिखाता हूँ मैं, जो भी फ्लावर्स के शौकीन लोग होंगे उनको मालूम होगा ये फ्लावर कौन सा है। शायद इसको
लिली बोलते क्या बोलते हैं मेरे को मालूम नहीं है। मैं तोड़ना नहीं चाहता था लेकिन आप लोगों के लिए मैंने तोड़ा इसको, है ना। ये अगर दिल्ली में जो इसका बुके मिलता है ना, दिल्ली में जो इसका बुके मिलता है वो करीब करीब आप मान के चलो कि इसका जो बुके रहता है वो 500 रुपये से प्लस रहता है। ओके, तो ऐसे ऐसे फ्लावर्स यहाँ पे पूरा पेड़ पौधे दूसरे टाइप के हैं। आप देख रहे हो कितने बड़े बड़े पेड़ हैं यहाँ पर। तो जैसे दोस्तों आपको पता है कि मैं आपके लिए यहाँ पे पैदल चल रहा हूँ, और मेरा दोस्त है ये देखिए बिल्कुल ब्रांड न्यू स्कूटर लेके अभी मुझे लेके आ रहा है वापस। और अभी हम चल रहे हैं बागा बीच, और कहाँ पे बैठना है बागा बीच के नज़दीक में, कहाँ पे आपको एंजॉय करना है, कहाँ पे आपको सस्ता सामान मिलेगा खाने पीने के लिए और एकदम ओरिजिनल खाना मिलेगा। तो दोस्तों ये है बागा बीच का चौक, आप यहाँ देख रहे हो। अगर आपको कोई भी टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए और यहाँ पे आपका जन सुविधाएँ हैं उपलब्ध, आपको नहाना है या वॉशरूम जाना है तो आप यहाँ जा सकते हो। यहीं पे बाइक का पार्किंग हो जाता है। और अभी मैं बागा बीच के एकदम दूसरी साइड पे जा रहा हूँ, वहाँ पे आपको पूरा दिखाऊंगा। और ये बागा बीच के बिल्कुल चौक पे ही आपको मिलेगा, यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है। बागा बीच के आसपास ना आपको हर चीज़ कॉस्टली मिलेगी, लेकिन अगर आप यहाँ आते हो इस रेस्टोरेंट पे, मुझे नाम नहीं पता, कुछ नाम लिखा नहीं है, आप लोकेशन देख लो, एक टेम्पल है यहाँ पे और टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन कॉर्नर के जस्ट अपोजिट में है ये। तो यहाँ पे आपको सब चिकन मटन ये भी सारी चीज़ें मिल जाएंगी, सारा फास्ट फूड मिल जाएगा, और पानी की बॉटल और जो भी है सिगरेट वगैरह हर चीज़ आपको रीजनेबल रेट पे मिलेगी। अगर आप यहाँ पे बैठ के इंजॉय करना चाहते हो, ड्रिंक वगैरह भी पीना चाहते हो तो भी सब हो जाएगा, मैगी वगैरह सब मिलता है यहाँ पे, और सब कुछ आपको यहाँ पे रेट पे मिलेगा, मतलब रीजनेबल रेट। जो नॉर्मल रेट है ना यहाँ पे वो तो कहीं भी आपको मिलेगा नहीं। अगर आप गोवा में आ रहे हो आपको 10-20 रुपए तो एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, लेकिन ये सबसे चीपेस्ट प्लेस है। तो वेरोनिका करके ये प्लेस है, यहीं पे हम बैठे थे, तो इसलिए मैं इनका इंट्रोडक्शन आपको दे रहा हूँ। इन्होंने मेरे को कोई स्पॉन्सर नहीं किया, ये वीडियो स्पॉन्सर नहीं है, किसी भी बंदे ने मुझे पैसा नहीं दिया। मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को देखें और रियल एक्सपीरियंस करें गोवा का। Longing to escape, and here we are, driving narrow streets in a rusty car, leading to the sea. Think we're getting close. We should take a pic, baby, strike a pose. ये दोस्तों हम बागा बीच पे हैं, लेकिन बागा बीच यहाँ से आपको पूरा दिख रहा होगा, शायद कैमरे में आ रहा है कि नहीं आ रहा, लेकिन मैं बागा बीच के है ना, ये बागा बीच कोको नदी से मिलती है। इस साइड से आप देख रहे हो कोको नदी आ रही है ये। मैं अभी आपको दोबारा एक क्लिप में दिखाऊंगा उसका नज़ारा। तो आप देख रहे हो कोको नदी समुंदर में मिल रही है, और पानी देख रहे हो यहाँ पे कितना क्लीन है, नीचे के पूरे पत्थर दिख रहे हैं। और ये देखो केकड़ा जा रहा है एक छोटा सा, ध्यान से देखो, दिखा, ये देखो केकड़ा जा रहा है, इतना बड़ा केकड़ा कल कोई खा रहा था तो मैंने देखा उसको, वो 500-600 रुपये में बेच रहे थे। तो ऐसी ऐसी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगी दोस्तों, बहुत ही बढ़िया मस्त जगह है गोवा, एक बार तो आना बनता है। ये अपोजिट साइड पे है गोवा के, आप देख रहे हो यहाँ पे रेड कलर की एक जिप्सी खड़ी है बहुत दूर, ये पूरा सेफ्टी के लिए है। इधर आप देख रहे हो बहुत सारी नाव हैं, और अभी समुंदर का बहाव देखोगे ना तो समुंदर का बहाव बहुत तेज़ है, क्योंकि अभी जो टाइम है बारिश का टाइम है। और यहाँ पे बहुत सारे चर्च आपको इस तरीके से देखने के लिए मिलेंगे, राइट। ये सारी लोकेशन आप देख रहे हो, ये देखिए केकड़े तो यहाँ पे इतने हैं, ये देखिए ये पूरा केकड़ों से भरा हुआ है। मैं बोल रहा हूँ ना तो थोड़ा धीरे बोलता हूँ, पूरा छुप रहे हैं मेरे को देखिए। ये देखो उधर भी है, देख रहे हो दो तीन घूम रहे हैं, और इधर भी है देखो, राइट। क्योंकि यहाँ पे लोग आते ही नहीं है इस जगह पे, जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ना देखो मेरे आगे पीछे कोई भी नहीं है, ये किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी होगी तो शायद वो ही यहाँ पे आते होंगे। तो आपको जब भी बागा बीच आओ ना
आपको इस साइड पे आना है, किंग फिशर का ये बोर्ड लगा है, पता नहीं आप आओगे जब तो होगा कि नहीं, लेकिन कोको नदी है बागा बीच के पूरा एंड में, उधर समुंदर है पूरा और इधर कोको नदी है, उसके अपोजिट साइड पे आप आना, ये एकदम रियल आपको यहाँ पे मजा आएगा। और ये फूल अभी तक मेरे हाथ में है, ये अभी मैं चर्च में रख दूंगा और आगे और दिखा के आता हूँ आपको कि आगे और क्या क्या चीजें हैं। तब तक दोस्त मेरे को यहाँ पे स्कूटर से छोड़ के गया है, वो भी वापस आ रहा है, मैंने थोड़ा उसको बोला कि वीडियो बनाना है उसके लिए थोड़ा टाइम। घर यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल है, फ्लावर्स पेड़ पौधे बहुत सुंदर सुंदर है यहाँ पे, तो नेचर का फुल एंजॉयमेंट आप यहाँ पे आके ले सकते हो। ये देखिए यहाँ पे आपको एक फिशरमैन दिख रहे हैं, ये अभी केकड़े पकड़ने के लिए आए हैं और जैसे ही आएंगे ना इनको देख के केकड़े छुप जाएंगे। ये भाई है अभी फिशिंग कर रहे हैं यहाँ पे और ये जाके अभी बागा बीच पे फ्रेश फ्रेश फिश भेजेगा एकदम, और जिंदा मछली के ज़्यादा पैसे लेते हैं ये, और जो डेथ मछली हो जाती है ना उसको कम लेते हैं। मेरे को ज़्यादा नॉलेज नहीं है भाई, क्या बोलते हैं, मैं नॉनवेज वगैरह खाता नहीं हूँ। और इधर आपको ना यहाँ पे लिखा हुआ है, ये पूरा लिखा है बागा बीच, आप यहाँ पे देखो पूरा बागा बीच लिखा हुआ है, कोई भी नहीं है यहाँ पे। मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा सूरज की रोशनी आ रही होगी, इधर पूरा बागा बीच लिखा हुआ है। ये ना आपको वहाँ से दिखेगा जहाँ पे आप बीच में बैठे होंगे, यह आने का रास्ता मुझे एक दिन में पता चला कि इधर आना कैसे। तो बहुत ही कम लोग हैं, कोई भी नहीं है, पूरा एकदम खाली खाली। अगर आप बागा बीच को एंजॉय करना चाहते हो, ये पूरा एंड हो गया, बस लास्ट में एंड है, पहाड़ है और कुछ भी नहीं है, यही है। यहाँ पे पूरा नीचे देखो समुद्र के अंदर सीप वगैरह आपको सारी चीज़ें यहाँ देखने के लिए मिल जाएंगी। मोटा रेत होता है, थोड़ा हट जाओ भाई सामने से। हाँ ये आप देख रहे हो ना, अभी ट्रैक्टर को हटा के दोबारा लगा रहे हैं, डालो 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 डालो, इस बार चल जाएगा। अरे वाह 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 वाह। Just like a lose control, play songs on the radio too loud. This could be magical.